ज़िंदगी में ये शनिवार और इतवार के दिन बड़े ही खास होते हैं। ये आते हैं हमें पूरे सप्ताह की थकान से निजात दिलाने को। बीता शनिवार और रविवार हमारे लिए भी बेहद ही खास रहा। इन दो दिनों में हमने अपने एक पसंदीदा शख्स से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनके साथ ये दो दिन बिल्कुल एक सपने के जैसा जिया। नमस्कार, मैं एक गुमनाम सी आवाज़ हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ख्वाबों जैसी एक हकीकत। शुक्रवार को देर रात तक हम किताबों में उलझे थे, सो देर से सोएं तो सुबह नींद भी देर से ही खुली। शनिवार सुबह तकरीबन 8 बजे हमारी आंखें खुली। हर रोज़ की तरह आधी नींद में ही हमने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम के मैसेज चेक करने लग गए, पर इंस्टाग्राम खोलते ही हमारे आदर्श पंकज जीना सर की स्टोरी दिखी। अब स्टोरी में वो कह रहे थे कि आज 11 बजे तक वो हमारे शहर पटना पहुँच जाएंगे। अब ये सुनते ही हमारी आधी खुली आंखों में एक अलग सी ही चमक आ गई और जिस बिस्तर से हर रोज़ निकलने के लिए माँ की दो डांट और बहन की एक शरारत लगती थी, उस बिस्तर से हम यूं उठे जैसे अब वो मुझे काटने के दौर रहा है। अब सवाल ये था कि वो पटना आ रहे थे तो हम उनसे मिलेंगे कैसे। इसी साल के पहले दिन हम पंकज सर से बनारस में मिले थे, सो हमारे पास उनके एक सहयोगी का नंबर था। सो हमने बिना सोचे समझे उन्हें फ़ोन लगा दिया। फ़ोन बजने लगा और हमारी धड़कनें बढ़ने लगी। पूरी रिंग के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद उनकी भी नींद नहीं खुली हो। सो फिर हमने पंकज सर को ही मैसेज कर दिया, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैसेज कर कर हम रिप्लाई का वेट ही कर रहे थे तभी फ़ोन बजा हमारा और हमने देखा कि पंकज सर के सहयोगी ने हमें कॉल बैक किया था। अब हमने झट से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो भैया, हमें पहचाना क्या? उधर से आवाज़ आई, हाँ भाई एकदम पहचान लिया। हमने पूछा, आप लोग पटना आ रहे हैं ना, कहाँ तक पहुँचे? उन्होंने जवाब दिया, भाई हम तो इस बार उनके साथ नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे सहयोगी उनके साथ आए हैं। हमने कहा, भैया फिर हमारी बात कैसे होगी? उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नंबर मैं उन्हें भेज देता हूँ, वो तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हमने कहा, ठीक है भैया हम इंतज़ार करते हैं, और फिर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही हमने इंस्टाग्राम पर पंकज भैया का मैसेज देखा। उन्होंने रिप्लाई किया था और हमसे मिलने की हामी भी भर दी थी। अब हमने मिलने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर 11:20 पर हमारे फ़ोन की घंटी बजती है और एक अनजान नंबर से कॉल आता है। ऐसे हम अनजान नंबरों से फ़ोन नहीं उठाते हैं, पर उस रोज़ तो हमें एक ख़ास कॉल का इंतज़ार था। हमने फ़ोन उठाया और उधर से एक आवाज़ आई, हेलो हम पंकज जीना टीम से बोल रहे हैं। हमने पूछा, आप पटना पहुँच गए क्या? उन्होंने कहा, हाँ अभी अभी पहुँचे हैं, होटल की तलाश में हैं, आप कोई मदद कर सकते हैं क्या? अब हमारा घर पटना सिटी में था और पटना सिटी से पटना जंक्शन की दूरी लगभग आधे घंटे की थी, सो हमने उनसे आधे घंटे का समय मांगा और माँ से इजाज़त लेकर तुरंत निकल गए। हमने झट से अपनी स्कूटी निकाली और रफ्तार भर ली, पर पटना की सड़कें और उन सड़कों का ट्रैफिक से रिश्ता अक्सर आपकी रफ्तार को कम कर ही देता है। हमारी गाड़ी जब जब ट्रैफिक में रुकती मन में कई तरह के ख्याल आते, कहीं पंकज सर हमसे नाराज़ ना हो जाएं, अनजान शहर में कहीं उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो जाए। इन सारे अच्छे बुरे विचारों के साथ स्कूटी को हम आगे भगाते रहें और घंटे भर के बाद पटना जंक्शन पहुँचे। पहुँचते ही हमने एक होटल में बात की और फिर पंकज सर के सहयोगी को फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया और कहा कि उन्होंने एक होटल में कमरा ले लिया है और कुछ देर में फ्रेश होने के बाद वो हमसे मिलेंगे। फ़ोन कट गया और पटना जंक्शन की सड़कों पर हम पंकज सर से मिलने के इंतज़ार में टहलने लग गए। कुछ देर बाद हमें वापस फ़ोन आया, इस बार पंकज सर खुद फ़ोन पे थे। उनकी आवाज़ सुनते ही हमारे मन में एक खुशी की लहर उठ गई, मानो सुदामा को कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी हो। उन्होंने हमें अपने होटल का नाम बताया और हम तुरंत उनके पास पहुंच गए। हम रिसेप्शन पर उनका रूम नंबर ही पूछ रहे थे कि उनके सहयोगी ने हमें देख लिया और कमरे में बुलाया। दरवाजे से अंदर जाते ही हमारी नज़र पंकज सर पर गई, वो अपने सहयोगियों के साथ खाने पर बैठे थे। हम उनसे गले मिले और रास्ते भर में तेज हो रही हमारी धड़कनें एकदम से शांत हो गईं। उन्होंने अपने साथ हमें खाने पर बिठा लिया और उनके साथ बैठकर खाना खाने का मौका हम कैसे छोड़ सकते थे। हमारा खाना ख़त्म होने के बाद हम पंकज सर के साथ बैठे और उन्होंने अपने सहयोगियों को हमारा परिचय कराया। ये देख कर हम खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी, उन्हें हम अब तक याद थे। हमारी बातें हो ही रही थी कि तभी कोई उनसे मिलने आया। पंकज सर के साथ ही बैठा था मैं और हमारे मेहमान उनके सामने थे। अब उन्होंने उनसे बहुत ही लंबी बातें की और इस पूरे बातों के दौरान हम पंकज सर को एकटक देखते रहें और उनकी रूहानी बातों को सुनते रहें। कुछ देर बाद हम उनके साथ पटना घूमने निकले, कई लोगों से मुलाकातें की, एक लंबा सफ़र तय किया। इस सफ़र में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और समझाया भी।
घूमते घूमते शाम के 7 बज चुके थे। उसके बाद हमारे एक मित्र ने पंकज भैया को खाने पर बुलाया। पंकज भैया ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। पंकज भैया, अरे ये क्या, पंकज सर से पंकज भैया कब हो गए वो? अब इसका अंदाज़ा तो हमें भी नहीं लगा। उन्होंने हमें छोटे भाई जैसा जो स्नेह दिया, उसके बाद उन्हें हम भैया ही कहने लग गए थे। उस वक्त तक तो हमें प्यार से बिट्टू भी पुकारने लगे थे। खैर, तकरीबन 8:40 पर हम सब हमारे दोस्त के घर पहुँचे। पंकज भैया ने अपनी कहानियाँ तलाशना शुरू कर दिया और हम उनकी बातों को अपने अंदर समेटने लगे। उसी वक्त घर से फ़ोन आया। माँ ने पूछा, कहाँ हो तुम, वक्त देखा है, 9 कब के बज चुके? हमने माँ को कह दिया, आ रहा हूँ माँ, बस कुछ देर में। खाने में थोड़ा विलम्ब हुआ और 10 बज गए। अब भैया को होटल भी छोड़ना था और घर भी लौटने की जल्दी थी। माँ का फ़ोन बार बार जो आ रहा था, पर हमारी स्कूटी तो भैया के होटल के बाहर लगी थी। होटल पटना जंक्शन में था और हम राजेंद्र नगर में थे। अब यहाँ से पटना जंक्शन की दूरी और हमारे घर की दूरी लगभग बराबर ही थी, सो घर पहुँचने का सबसे सही तरीका यही था कि हम यहीं से घर को रवाना हो जाते। हमने चाबी भैया को थमाई और वहाँ से निकल गए। कुछ देर तक हम सड़क पर ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, पर कोई भी गाड़ी पटना सिटी जाने को तैयार नहीं थी। हम थोड़ा घबरा सा गए कि अब घर जल्दी कैसे पहुँचेंगे। सो कुछ सोच कर हमने अपने दोस्त को वापस फ़ोन किया, जहाँ पर पंकज भैया अभी भी मौजूद थे। उसने कहा उसके पिताजी हमें होटल तक छोड़ देंगे। सो फिर हम वापस उनके घर लौट आए। वहाँ से हम होटल गए और अपनी स्कूटी ली और भैया को अलविदा कहा। उन्होंने हमें रात को अपने साथ ही रुक जाने को भी कहा, पर माँ का फ़ोन बार बार आ रहा था और हमें उनके पास वापस जाना ही था। हमने भैया से क्षमा मांगा और घर लौटने की इजाज़त ली। माँ की चिंता भी व्यर्थ नहीं थी। अपने शहर में बच्चा अगर देर रात तक घर ना आए तो माँ का चिंता करना जायज़ ही है, क्योंकि माओं के लिए तो अपने बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा कहाँ कुछ प्रिय होता है। 11:30 के आसपास हम घर पहुँचे, माँ के कमरे में गए। वो गुस्सा तो थी, पर मुझे देखकर उसका व्याकुल मन बिल्कुल शांत हो चुका था। कुछ देर पूरे दिन की कहानी हमने माँ को सुनाई। उनका गुस्सा शांत हो चुका था, भला माँ अपने बच्चों से ज़्यादा देर गुस्सा रहती भी कहाँ है। उसकी अगली सुबह हमने उठते ही पंकज भैया को फ़ोन लगाया। वो नींद में ही थे, मेरे फ़ोन की घंटी से शायद वे जागे थे। ये भी हमारे लिए एक यादगार बात ही रही कि जो शख्स हाँ जी गुड मॉर्निंग कह के पूरे देश को जगाता है, उन्हें एक रोज़ हमने जगाया था। आज रविवार की रोज़ उन्हें पटना साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाने थे, सो हमने उनसे कहा कि हम 11 तक उनके होटल पहुँचते हैं। वे भी अपनी नींद से जाग चुके थे, सो हम मुझे आने को कहा। हम जब होटल पहुँचे तो वे कुछ काम में व्यस्त थे, सो कुछ देर रुकने के बाद 12 हमने होटल से चेकआउट किया। पर होटल से निकलते ही भैया को पटना के कुछ और हिस्सों को देखने की इच्छा हुई, सो हम पटना सिटी के लिए तकरीबन 3 निकले। अब पटना सिटी पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज चुके थे। भैया ने अब तक कुछ खाया नहीं था, हमने अपने घर पे ही उनके खाने का प्रबंध करवाया था, सो हम भैया को लेकर अपने घर पहुँचे। घर पर चावल दाल सब तैयार थे, पर सब्जी में विलम्ब था, सो भैया को हमने एक कमरे में बिठाया, अपने परिवार से मिलवाया और उनसे बातों में लग गए। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हुआ, भोजन हम सब ने साथ में किया और उसके बाद गुरुद्वारे के लिए निकले। गुरुद्वारे के दर्शन करते करते 6 चुके थे और 8:45 भैया की बनारस की ट्रेन थी, जो कि पाटलिपुत्र जंक्शन से खुलने वाली थी। अब पटना सिटी से पाटलिपुत्र जंक्शन की दूरी लगभग 2 की थी, सो हम चाहकर भी भैया को कुछ देर और अपने साथ नहीं रोक सके। भारी मन से हमने भैया को विदा किया। उनसे गले मिलते वक्त हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था कि कहीं ये पल दोबारा हमारे जीवन में आएंगे या नहीं। उन्हें उनके स्टेशन तक जाने वाली ऑटो पर हमने बिठा दिया और एक बार फिर से मिलने और पहुँचते ही खबर देने के वादे के साथ अलविदा कहा। हम आज भी ये सोचते हैं कि अपनी मजबूरियों को दरकिनार करके उनको स्टेशन तक छोड़ने क्यों न जा पाएं। ये कहानी जो आपने सुनी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे लिए ये वो यादें हैं जिन्हें हम अपने जीवन के अंत तक अपने मन के कोने में सहेज के रखेंगे।